सो गाइस, अब हम आते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन. आपका फिफ्थ क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो. आपको यहाँ पर जीरोस फाइंड करने हैं और साथ में इसका आपको रिलेशन वेरीफाई करना है. सो गाइस, यहाँ पर जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जब यहाँ पर कोई एक टर्म गायब होती है, सो बेसिकली हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म जब गायब होते हैं और बीच में कौन सा माइनस का होता है, तो हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. आपको ये बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर. तो चूंकि ए स्क्वायर तो है आपका, मतलब टी स्क्वायर माइनस अब 15 है, तो जब आपको जैसे अगर ये 25 होता तो मैं इसको क्या कर देता, मैं इसको 5 का स्क्वायर कर देता. बट गाइस ये तो 15 है, तो 15 जब ये किसी के जो नंबर नहीं होते जो, तो इस तरह के नंबर को हमें रूट में लगा देते, रूट लगा के उसका स्क्वायर कर दो तो ये आपका स्क्वायर बन गया. ठीक है गाइस, तो आप ये समझ गए होंगे. पहले मैं इसको इरेज कर दूं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाए. तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अब आपका फॉर्मूला बन गया है. तो फॉर्मूला बन गया है तो क्या करेंगे आप, वही ए प्लस बी, ए प्लस बी और आपका ये ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो. तो आपका क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो और आपका टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू भी जीरो. तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा आपका माइनस का रूट 15, क्योंकि प्लस का उस तरफ जाके माइनस, और इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट 15 हो जाएगा. सो ये बेसिक आपका आंसर आ गया है. तो दोनों रूट्स आ गए हैं. अब आपको क्या करना है, इनका वेरिफिकेशन करना. क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर सीधी सी बात है आपका कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. सो यस गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टी है ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टी स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म है. तो जो टर्म नहीं होती वो क्या होता है गाइस, जीरो होता है, ऑब्वियस जीरो होता है. तो आपने देखा ये माइनस का 15 प्लस का 15 यहाँ पर रखेंगे प्लस, ये जीरो अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर आपका कुछ नहीं है, वन है. तो आप देखेंगे ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया, जीरो. ये भी क्या आ गया, जीरो. देखो गाइस दोनों ही अंडे आ गए, तो आपका ये वेरीफाई हो गए. दूसरा आपका क्या था, प्रोडक्ट था, तो मैं यहीं साइड में ही बता देता हूँ, आप यहीं समझ सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म होती है अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. तो प्रोडक्ट वही आपका माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है आपका, कांस्टेंट टर्म आपका देख लो गाइस कितना है, ये माइनस का 15 है, तो आपका हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन में 1. तो आपको पता ही है रूट 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा गाइस, और ये माइनस का 15 चल ही रहा है, तो ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15. तो आपका ये भी सॉल्व हो गया. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होगा, उसका वेरिफिकेशन भी होगा. सो गाइस आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें.